सोलन नगर परिषद जल्द नगर निगम बन सकती है, इसको लेकर आजकल सोलन में चर्चाएं की जा रही हैं। प्रदेश सरकार से भी कई सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, जिसको लेकर सोलन वासी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी वर्षों से शहरवासी नगर निगम को लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सोलन को नगर निगम नहीं बनाया जा सका है। कांग्रेस कार्यकाल में अन्य जिलों को तो जरूर नगर निगम का तोहफा मिला होगा, लेकिन सोलन इससे वंचित रह गया, जिसकी वजह से शहरवासियों में बेहद रोष है और उन्हें आशा है कि भाजपा शहरवासियों को नगर निगम का तोहफा जरूर देगी। ये बात नगर परिषद सोलन के पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कही। नगर परिषद सोलन के पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि सोलन नगर निगम बनने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर चुका है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सोलन के साथ सौतेला व्यवहार किया और धर्मशाला को नगर निगम बना दिया, जिसके चलते शहरवासी बेहद दुखी हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने सोलन को नगर निगम बनाने के लिए हामी भरी है, जिसको लेकर वे बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि सोलन नगर परिषद का बजट बेहद कम है, जिसके चलते शहर का विकास उतना नहीं हो पाता, लेकिन अगर सोलन को नगर निगम बना दिया जाता है तो सोलन में विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है, जिसके लिए बजट की कमी आड़े नहीं आएगी और उन पंचायतों को भी लाभ मिलेगा जो नगर निगम में शामिल होंगी। सोलन नगर परिषद हिमाचल की सबसे बड़ी नगर परिषद है, जिसमें 15 वार्ड इसमें शामिल है, और इसको लेकर हमने कई बार हिमाचल प्रदेश की सरकार, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, नगर निगम बनाने के लिए मुद्दा हम हर बार उठाते रहे, परंतु कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला को नगर निगम बनाया जहाँ की आबादी 22,000 थी, और सोलन को इग्नोर किया, जिसके लिए हम प्रयासरत रहे। माननीय जयराम ठाकुर जी का आज हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सोलन को नगर निगम बनाने का प्रयास जो किया है, और इसके लिए हमें लग रहा है कि बहुत जल्द हिमाचल सोलन को नगर निगम का दर्जा जो है मिल जाएगा, और सोलन शहर में एक विकास की जो नई गति प्राप्त होगी, और जिसके लिए हम सभी सोलनवासियों की तरफ से, मैं विशेषकर हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नगर परिषद अभी तक जो सुविधाएं नहीं दे सकी, वो नगर निगम बनने के बाद यहाँ की जनता को वो सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नगर निगम में, नगर परिषद में एक बहुत छोटा सा बजट होता है, जिससे विकास कार्य, बहुत कम विकास कार्य हो पाते हैं। अगर नगर निगम की बात की जाए तो उसमें बजट भी अच्छा आएगा और लोगों को सुविधाएं भी ज़्यादा मिलेंगी, और इससे जो नगर निगम बनने के बाद सोलन की जनता और विशेषकर जिन जो भी एरिया इसमें शामिल होंगे उनकी, उनको भी इसका लाभ मिलेगा।